मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथा है। अद्भुत गाथा की श्रृंखला में चलिए मेरे साथ कैंची धाम। वर्ष 1973 का लगभग अगस्त या सितंबर है, अगस्त का अंतिम सप्ताह हो या सितंबर का प्रथम सप्ताह हो, याद है ना आपको, यही एक ऐसा वर्ष है जहां मानव लीलाओं का समापन किया था महाराज जी ने और लोग समझ नहीं पाए थे। बड़े बड़े इशारे कर दिए थे उन्होंने लेकिन लोग जान नहीं पाए थे। महाराज जी ने जो घाटी है जहां आज मंदिर है, देख लीजिए कैंची धाम कैसा जगमगा रहा है ना, तो यहीं पर बैठे हुए हैं, भक्त आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबकी बातों को सुन रहे हैं, वही दिनचर्या ठुल ठुल प्रसाद मान बनवा रहे हैं, घर के लिए खिलवा रहे हैं, है ना, समस्याओं को सुन के उनका निदान दे रहे हैं, सब कुछ एक आम सामान्य दिन की तरह आशीर्वाद देने का क्रम चल रहा है। लेकिन उनके दिमाग में जो चल रहा था, उनको यज्ञशाला पूरी करानी थी, उनको कैंची में और सुविधाएं थी वो बनानी पूरी करनी थी, तो कैंची में वो बस स्टैंड बनवा चुके थे, पहले ही कह चुके थे, वो वहां पर डाकघर आज भी फोटो देख लीजिएगा महाराज जी के द्वारा वहां पर ये डाकघर की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन उस समय टेलीफोन कहीं होना बड़ी बात थी, कोई टेलीफोन करना है तो भवाली जाना पड़ता था, भवाली में जाके वहां बुक कराना पड़ता था, तब बात होती थी, 7-8 किलोमीटर जाए और फिर लौट के आए। तो आप ये समझ लीजिए महाराज जी ने मन में सोच लिया होगा कि टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिए। होता क्या है, उस दिन एक दूर संचार विभाग का बड़ा उच्च अधिकारी अपने बेटे को लेकर उसे आशीर्वाद दिलवाने आता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, बड़ी अनुनय विनय करता है। महाराज जी कहते हैं ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, तू ऐसा कर, तू तो अधिकारी है, तू ऐसा कर यहां टेलीफोन लगवा दे पोस्ट ऑफिस में, लेकिन 24 घंटे के अंदर लगवा दे। अब अधिकारी बड़े उच्च स्तर पर, आप उच्च पद पर बैठे हुए हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, जैसे किसी जिला अधिकारी से कह दिया जाए कि साहब एक लिपिक को ये निर्देश दे दिए जाए तो क्या एकदम फटाफट। दूर संचार के उस अधिकारी ने महाराज जी से कहा टेलीफोन कल लग जाएगा, इस समय तक टेलीफोन लग जाएगा। आशीर्वाद लेके अपने बेटे सहित घर पहुंच जाता है, इधर अपने अधीनस्थों को निर्देशित करता है वो, और उसी दिन शेष समय में काम होता है, रात तक लाइनें खिंच जाती हैं, मोबाइल के जमाने में तब मोबाइल नहीं जानते थे लोग, लाइन खिंच जाती हैं और टेलीफोन बज जाता है दूसरे दिन प्रातः, इसी डाकघर में जो आप देख रहे हैं, इधर टेलीफोन की घंटी बजती है और उधर उनका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है जैसे सामान्य व्यक्ति होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि महाराज जी अपने भक्तों की चिंता के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चिंता का हरण करने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उन्हें मालूम था कि अब मैं चला जाऊंगा, मैं तो अगर टेलीफोन पे बात करता हूं किसी को भी करना है तो हाथ लगाया हेलो, अलौकिक टेलीफोन से बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद तो ये टेलीफोन सुविधा खत्म हो जाएगी ना, इसलिए उन्होंने 24 घंटे के अंदर वहां टेलीफोन लगवा दिया।
अब तो मोबाइल है यार, करिए बात किसी से भी चाहो, चल पड़ो। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो